ये जो पेशेंट है क्या नाम है तुम्हारा? निष्ठा झा। ईसा निष्ठा झा। निष्ठा झा, इनको ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन के पोन्स में ट्यूमर। आप ये बताइए कि इनके बारे में क्या बताया गया था, किस संस्था में दिखाया था, ये बताइए यहाँ पब्लिक को। पहले वही वैदेही में दिखाए थे, बेंगलोर में। वैदेही बेंगलोर में दिखाया, तो वो कौन सा कैंसर संस्थान है वो? नहीं, वो इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर क्या बीमारी बताया आपको? वही ब्रेन ट्यूमर का। ब्रेन ट्यूमर बताया, ठीक। आप ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर था इसको, सो बताइए। यानी जैसे सरस्य हम बताते हैं, जैसे इसको सबसे पहले आँख के डॉक्टर शंकर, डॉक्टर बेंगलोर के जो सबसे अच्छा है, वहाँ ले गया। चूँकि बच्ची को प्रॉब्लम था कि दो दो दिखता था, चलने का इंटेंशन इसका गड़बड़ा गया, तो भैया जो है इसको लेके शंकर इंस्टीट्यूट के ले गया, शंकर नेत्रालय। जी, शंकर नेत्रालय में। शंकर नेत्रालय ही रिपोर्ट क्लियर कर दिया कि इनको प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, अब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक। तो आप चले जाइए वैदेही हॉस्पिटल। वैदेही हॉस्पिटल भाभी बच्चा भैया लेके गए वहाँ पर। वहाँ जब भर्ती हुआ, सबसे पहले इसका सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन में रिपोर्ट हो गया क्लियर। और उसके बाद क्या क्या कि लो ग्रेड ऑफ पेंटिन ग्लियोमा, डेट इज पेंटिन ग्लियोमा, ग्लियोमा, हाँ, डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ कैंसर, कैंसर, ब्रेन कैंसर, हाँ, ब्रेन कैंसर, ठीक। तो फिर वहाँ का डॉक्टर पूरा इसका सारा चेकअप करने के बाद जो है कहा कि अब जो है इसका रेडियोथेरेपी करना होगा, मात्र एक ही उपाय है, क्यूथेरेपी तो इसका नहीं होगा, इसका रेडियोथेरेपी करना होगा। रेडियोथेरेपी में कितना परसेंट चांस मतलब बचेगा? बोला कि एक सौ, सबसे पहले रिक्स नहीं लेंगे, बॉन्ड पेपर बनाएंगे, और अगर कुछ भी हो सकता है, चूँकि इसके पोन्टीन गोलीमा जो आप बोले, जो लिखा हुआ है मेरा रिपोर्ट में, जो है मैंने गला, नेत्र, हृदय सबका जो भी नस गया है उसी के पास ही ट्यूमर है। ट्यूमर है, हाँ, अगर दूसरे भाग पर रहता तब इसका ऑपरेशन भी हो सकता था। अच्छा, इसके बाद उसको क्या क्या लक्षण होता था जब उस समय? हाँ, तो वही जो जो 7 दिन तक पहले इसको भर्ती रखा MRI के पहले, टोटल इसका वीडियो बनाया हुआ, सारा रिसर्चर जितना एकदम एक से एक वहाँ पर रिसर्च डॉक्टर है, सारा इसका एक्टिविटी, वही चलने का जो है इसे लड़खड़ा के चलना, उसके बाद सिर ई उठा, सिर ऐसे नहीं उठा पाती है, मोबाइल ऐसे देख सकती है पर ऐसे नहीं देख सकती है, और ऐसे देखेगा अगर तो इसको दो दो दिखाई पड़ता है, अगर नजदीक से देखेगा तो ठीक दिखाई देता है। सारा लक्षण पर ही मोहर लगा दिया हो कि इसको ट्यूमर है, ट्यूमर है। और तब उसके बाद सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन में संतुष्ट कर दिया, MRI बोला कि तब करेंगे जब आप रेडियोथेरेपी करेंगे, चूँकि रेडियोथेरेपी में जो है MRI रिपोर्ट इसलिए जरूरत है कि क्योर जो जगह है वहाँ पर उसको रेज देंगे। MRI नहीं हुआ, नहीं नहीं, जो बताया तो हम लोग तैयार हो गए रेडियोथेरेपी के लिए, तब वो MRI किया, तो MRI में तो क्लियर ही हो गया, बट तब तक में जो है हम आपका नेट पर सारा चीज़ देखिए। और हमारे एक रिलेशन के डॉक्टर पवन झा है भागलपुर के सर्जन, MRI रिपोर्ट उनको भी हम भेजे, बोला कि इसका कोई उपाय नहीं, भूल से भी नहीं कराइएगा, रेडियोथेरेपी भी नहीं कराएगा। तब उनकी सबसे जो सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर उनका गीता मैडम है, भैया के साथ जो मिले तो बोला कि हम इसका रिक्स नहीं लेंगे कि रेडियोथेरेपी में ठीक होगा, क्योंकि जिस जगह पर है देने के मात्र से ही कुछ भी घटना हो सकता है, बट अगर सक्सेस हो जाता है तो 6 महीने बोला जिंदा बचा, अगर सक्सेस हो जाएगा रेडियोथेरेपी तब भी 6 महीना मैक्सिमम, उसके बाद डेथ होगा, उसके बाद डेथ होना है। जब यहाँ आप आए इस सेंटर पे, तो तब सर क्या आप दुखी हो गए? दुखी होने के बाद जो है तब तो बोला कि तब आपको रेडियोथेरेपी जब नहीं कराइएगा तब यहाँ से जाइए, इसी तरह बोला। ऐसे आपको भाग मना जाने का मतलब इग्नोर थिंग मतलब ये कि आप यहाँ रह सकते हैं, जनरल वार्ड में तब रहिए, तब जो है रेडियोथेरेपी वार्ड में नहीं रखेंगे आपको, चूँकि वहाँ पर जिसका जो पेशेंट है वहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग दुखी होकर बाहर आए, भैया आपको गार्जियन लोग जो बहुत हमको रिगार्ड करते हैं, भैया हमें छोटे फिर भी गार्जियन लोग हमी को रिगार्ड करते हैं कि तुम कुमुद जो भी डिसीजन लेगा तुम ले लो, के लिए भैया ऐसा है यहाँ आया तो क्या हुआ, हाँ, तो के लिए कि भैया ऐसा है कि हम सर डॉक्टर विजय राघवन का नेट पर देखे हैं, हम उससे सारा बात कर लिए, जब सगर सगर से हम रिटायर हो चुके हैं, तो वो बोले कि ठीक है आप जब सगर रिटायर हैं तब आप आ सकते हैं, तो चलिए अब मैया का भगवती का दर्शन कर लेगा दादा से, और डॉक्टर साहब को भी दिखा देंगे। जब आपके पास सर आए तो उस दिन जो है जब बिसोनी गांव लेके गए तो इसको मैया के पास ले गए, तो दो आदमी पकड़ के गोदी से ले गए थे, चल फिर नहीं पा, चल नहीं फिर रहा था, आपके पास जो लाए एक चम्मच भाभी चावल दाल खिला फेंक दिया और हुआ मुँह में दिया, तो जैसे ना लास्ट स्थिति में गिरता है ऐसे गिर रहा था आपके पास लाए, और अभी कैसा है सर? वहाँ आपका सारा चीज़ देखने के बाद महीना दिन में सर कि बहुत कम बैक हो गई, अब चलती है, फिरती है, बात करती है, यही यही इसका स्टेपना है सर, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है अब आपके हिसाब से? जी सर। तो आपके हिसाब से सर आप भी देख रहे हो जो स्थिति उस दिन देखे थे आज आप देख रहे हैं, तो इस तरह से कैंसर का कोई भी मरीज ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये ठीक हो गया, हर एक कैंसर का मरीज ठीक हो सकता है, बस उसका तकदीर खराब है कि वो सही ट्रीटमेंट में नहीं है।
एक यही नहीं, कोई भी कैंसर धरती पर कैंसर रहेगा ही नहीं, ये सच्चाई है। लोग इसीलिए कैंसर से मर रहा है क्योंकि उसका तकदीर खराब है। जो भी हमारे रिलेशन के गांव के सब उनके आश्चर्य कर रहा है कि कैसे बच्चा कब नहीं, ये कैंसर का जो चीज है, कैंसर जो बीमारी है, ये एक्चुअली में ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन जिस उपचार से वो ठीक होगा वो उपचार लोग नहीं ले रहा है। लोग जो उपचार ले रहा है जैसे रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, सर्जरी, उससे कैंसर आज तक कभी ठीक हुआ ही नहीं। यदि कभी ठीक हुआ ही नहीं तो अब फलमा आदमी का कैसे ठीक हो जाएगा? जिस उपचार से आज तक किसी भी आदमी का कैंसर ठीक नहीं हुआ, उससे आपका कैंसर कैसे ठीक हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन लोग का तकदीर इतना खराब है कि वही उपचार लेके सब मर रहा है।